नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक कुमार, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सैनिक हार्डवेयर एंड पेंट्स। तो फ्रेंड्स, आप लोग के जो रेगुलर कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हार्डवेयर का जो बिजनेस है हम लोग भी ओपन करना चाहते हैं, बजट जो है वो हमारा कम है, रेंज जो है वो समझ में आ नहीं रहा है क्योंकि हार्डवेयर में बहुत ज़्यादा रेंज है, एक इन्फिनिटी रेंज है इसमें, उसके बाद में सर कौन कौन सा सामान रखना चाहिए जिसका जो सेल है वो फास्ट हो, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसमें प्रॉफिट हमें ज़्यादा हो, मार्जिन ज़्यादा हो। तो ये जो सारे आपके क्यूरीज है, जो सारे डाउट्स है, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले बताता हूँ, हार्डवेयर का जो बिज़नेस है कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा बिज़नेस है और इसका जो एक फ्यूचर अगर देखा जाए, आप अगर इसमें हार्डवेयर के बिज़नेस में आते हैं तो कहीं ना कहीं एक जो फ्यूचर है वो भी काफ़ी अच्छा सिक्योर हो जाता है। और उसके बाद में देखिए, मैं आपको बता दूँ बजट की अगर बात है तो स्टार्टिंग में जैसे कि आप नॉर्मली 3 से 4 लाख के रेंज में, 3 से 4 लाख के बजट में आप आराम से अपना हार्डवेयर का जो शॉप है वो ओपन कर सकते हैं। अब देखिए, बात आती है कि इसमें रेंज क्या है क्या नहीं है और कौन कौन से सामान रखने चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था कि मैंने क्या क्या सामान रखा है, क्या क्या नहीं रखा है, कौन कौन सा सामान जो होता है हार्डवेयर में जो काफ़ी स्पीडली सेल होता है, तो वो इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया, आप लोग देख सकते हैं। और सामान का जो भी लिस्ट है वो एक पेपर पर लिख के आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बताऊँ कि स्टार्टिंग में होता क्या है कि आप शुरुआत में जैसे कि हार्डवेयर में आपका अगर पाइप फिटिंग से रिलेटेड आप सामान रखते हैं तो इसमें कोई ज़्यादा खास सामान आता नहीं है। कोई चीज़ को आप बड़ा बनाते हैं, कोई चीज़ को टफ बनाते हैं, तब जाके वो टफ बनता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, जब आप इसमें महीना, 2 महीना 3 महीना 4 महीना तक आप इन्वॉल्वमेंट रहेंगे और जब आप काम शुरू करते हैं तो सब कुछ ईजी हो जाता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जैसे आपका पाइप फिटिंग का हो गया, 1 इंच का पाइप आ गया, 1/2 इंच का पाइप आ गया, UPVC पाइप है, CPVC पाइप है, उसके बाद में आपका 4 इंच का है, 3 इंच का है, 2.5 इंच का है, 1.5 इंच का है, SWR पाइप जो होते हैं, तो पाइप फिटिंग्स तो आप ये आराम से रख सकते हैं। आप किसी भी अपने होलसेलर के पास जाएंगे, आपके एरिया में मान के चलिए आप जिस भी स्टेट में है, तो वहाँ पे आप सबसे पहले होलसेलर का पता कीजिए कि कौन से आपके एरिया में होलसेलर है। शुरुआत में क्या कीजिए, आप बाहर से माल मंगवाने की कोशिश में ना कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक बाहर से जब माल मंगवाते हैं तो आपको एक बल्क रेंज में आपको लेके चलना होता है। शुरुआत में क्या कीजिए, जैसे आपको पाइप ही रखना है, 4 इंच का पाइप रखना है, ठीक है। तो 4 इंच का मैक्सिमम आप ले लीजिए, 20 पीस पाइप ले लीजिए, ठीक है। 3 इंच का 20 पीस रख लीजिए, 2.5 इंच का जो है वो 20 पीस रख लीजिए। तो इससे ये होगा कि आपका पैसा जो है, रेंज भी आपका भरपूर हो जाएगा, ठीक है, कोई सामान का कमी नहीं रहेगा, पैसा जो है वो ज़्यादा नहीं लगेगा। अब हम लोग का क्या है कि हम लोग का सेल अच्छा खासा चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, हम लोग देखते हैं कि कौन सा सामान जो है सबसे ज़्यादा सेल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि जब कोई प्रोडक्ट का जो रेट है, जब वो प्राइस कम होता है, तो उस प्रोडक्ट को हम लोग ऑर्डर देके मंगवा लेते हैं। और एक बार मैंने कम से कम तो 200 300 ऐसे करके पाइप मंगवाते हैं, यानी कि 4 इंच का सिर्फ अगर 4 इंच की बात करें तो 4 इंच का सिर्फ और सिर्फ 200 पीस मंगवाते हैं, 3 इंच का 200 पीस ऐसे करके मंगवाते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैंने भी यही किया था, शुरुआत में ऐसा नहीं है कि मैं किसी के यहाँ जाके सीखा हूँ और किसी के अंडर में काम किया हूँ। शुरुआत में मैंने भी बस 6 पीस, मैं आपको बता दूँ, मैं तो आपको फिर भी 20 पीस रखने के लिए बोल रहा हूँ, मैंने तो सिर्फ 6 पीस पाइप रखा था, 6 पीस 4 इंच का, 6 पीस 3 इंच का, 6 पीस 2.5 इंच का। तो ये चीज़ था, ठीक है। इससे क्या हो गया कि मुझे सीखने को भी मिला, 1 महीने में ओवरऑल मेरे को 1 से 1.5 महीना लगा था पूरा सीखने में। तो इससे ये चीज़ हुआ कि मुझे उसका नाम भी पता चला, उसका क्या साइज है, किस काम के लिए आता है, ये सारा कुछ मुझे सीखने को मिला। तो ये चीज़ है, और मेरा कम बजट में अच्छा खासा रेंज भी हो गया। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि हार्डवेयर का अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो कौन कौन से सामान आपको रखना है, कौन कौन सा सामान जो आपका सबसे स्पीडली सेल होता है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ फ्रेंड्स, देखिए आप कोई भी चीज़ का अगर एक सरल भाषा में अगर कहा जाए, कोई भी चीज़ को आप खिचड़ी मत बनाइए। अगर हार्डवेयर का कर रहे हैं तो शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर का ही कीजिए। एक्चुअली मेरा अभी दुकान भी मतलब रनिंग टाइम है, एक्चुअली जो भी मैं वीडियो शूट करता हूँ वो नाइट में ही शूट करता हूँ और इस टाइम पे कस्टमर भी आते रहते हैं, तो इसलिए बार बार उधर देखना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ है कि कोई भी चीज़ को आप खिचड़ी मत बनाइए। शुरुआत में क्या कीजिए, सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर लेके चलिए, पेंट का जो काम है पेंट हम बाद में करेंगे, ठीक है। मैंने भी यही किया था शुरुआत में, मैंने अप्रॉक्स 1 से 1.5 साल मैंने सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर का बिजनेस किया, उसके बाद में मैंने एशियन पेंट का डीलरशिप लिया, ये चीज़। तो इसमें ये होगा कि आप शुरुआत में दोनों चीज़ ले लेंगे और
पूरा एक मिक्सअप हो जाएगा, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। इतना देखिए, कोई भी चीज़ होता है ना, कोई भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। आप लोग हमेशा लोग बोलते रहते हैं कि कोई भी चीज़ को शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। एक कहीं ना कहीं उसका जो पूरा प्रोसीजर होता है, उस तरीके से आप लोग काम कीजिए, तब जाके आप एक अच्छे और परफेक्ट बिजनेसमैन बन सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ कौन कौन सा सामान आपको रखना है, कौन कौन सा क्या है, इसके क्या क्या रेंज आते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरुआत हम लोग पाइप फिटिंग से करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था। वो जो है वो हमारा UPVC पाइप है, उसके बाद में ये जो येलो कलर का पाइप है ये हमारा CPVC का पाइप है। ये वाले जो पाइप है ये हमारा चापाकल में लगता है, जो कि बोरवेल जिसको हम लोग बोलते हैं, चापाकल में ये वाला 1.5 इंच साइज का पाइप लगता है। और ये जो है ये चापाकल का ये जो है ये आपका फिल्टर है, उसके बाद में ये फिल्टर जाली है। ये जो है ये आपका लॉन्ग बेंड है, जो आपके सीट के पीछे, यानी कि जो आपका इंडियन सीट होता है, टॉयलेट सीट होता है, वो सीट के पीछे ये आपका लगता है, ठीक है। तो इसका जो रिक्वायरमेंट है वो कम होता है, क्योंकि जो आपका सिस्टर्न आता है, सिस्टर्न में ऑलरेडी आपका बैंड रहता है, बट कई बार होता क्या है वो बैंड छोटा हो जाता है, उसके जगह पे ये लॉन्ग बैंड लगाया जाता है। उसके बाद में ये जो है ये हमारे SWR पाइप से, ये 1.5 इंच का है, ये आपका 2.5 इंच का है, उसके बाद में इधर जो है ये आपका 3 इंच का है, उसके बाद में ये जो है आपका 4 इंच का है। ये जो है हमारा सेक्शन पाइप है, सेक्शन पाइप जैसे जब चापाकल जो आपके होते हैं वो जब खराब हो जाते हैं तो सेक्शन पाइप उसमें डाला जाता है। उसके बाद में दोस्तों ये जो है ये आपका गार्डन पाइप है, आप लोग इसे अच्छी तरीके से जानते होंगे, तो ये गार्डन पाइप का भी कुछ बंडल अपने शॉप में रखे, और ये जो चीज़ है काफ़ी ज़रूरी आइटम है, ठीक है। अब दोस्तों आते हैं कुछ लोहा लक्कड़ जो है क्या क्या सामान रखना होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो है ये आपका 1.5 इंच का कील है, ये आपका 2 इंच का हो गया, इधर हो गया 2.5 इंच का, ये 3 इंच का, ये 4 इंच का, तो 1.5 इंच से लेके 4 इंच के साइज का जो भी कील है वो रखे। उसके बाद में दोस्तों ये जो कुदाल है ये आप रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, अगर बजट अच्छा खासा है तो आप रखिए, नहीं तो इसको रखने की उतना जरूरत भी नहीं है। कहीं कहीं पे अगर जैसे आप लोग को लगता है डिमांड है तब जाके आप लोग रखें। इधर जो है ये आपका GI फिटिंग्स हो गया, जैसे कि सॉकेट है, उधर एल्बो है, तो ये सब चीज़ है। उसके बाद में दोस्तों ये है जो आपका सेक्शन जुगाड़ है, जैसे कि इधर आपका 1.5 इंच का कैप हो गया, थ्रेड, इसका जो थ्रेड है ना ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो ये जो है कुछ नट बोल्ट्स जो है अपने शॉप में ज़रूर रखें, जैसे कि जो आपका जो रनिंग नट बोल्ट होते हैं उसको रखें, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों ये जो है ये आपका चौखट क्लैंप हुआ, ये जो है आपका 5 इंच का है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है ये आपका 5 इंच साइज का है, इधर जो है आपका 4 इंच का है, जो कि खिड़की के चौखट में लगता है। ये जो है ये आपका जोका है, इसको हम लोग इधर जोका बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों ये जो है आपका पाइप क्लैंप, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ये आपका पाइप क्लैंप हो गया। उसके बाद में दोस्तों ये जो है ये आपका मोटर एल्बो हो गया, जो मोटर में हम लोग फिट करते हैं, ये छोटे छोटे नेपल हो गए, इसको नेपल बोलते हैं, जो आपके जैसे कि छोटे साइज के 1/2 इंच बाई 4 इंच, 1/2 इंच का, 3 इंच का, ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद में जो सबसे कंपलसरी आइटम है ये आपका तार, इसको आप लोग जरूर रखें, तार और एक इस टाइप का तार, ये दोनों टाइप के जो भी तार है, वायर जो है वो ज़रूर रखें, क्योंकि सेंटरिंग में आपका ये सब जो है लगता है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों ये जो है ये आपका मोटर फ्लैंचा, इसको हम लोग मोटर फ्लैंचा बोलते हैं, ये आपका 1/2 HP के लिए आता है, ये आपका 1 HP के लिए आता है, ठीक है। तो ये दोनों साइज़ का ज़रूर रखें, और इसका जो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जैसे कि एक पूरा मोटर फ्लैंचा कैसे होता है, ये आपका अपर साइड हो गया और ये इसका डाउन साइड हो गया, तो ये आपका सेट आता है, ठीक है। और एक चीज़ और दिखाता हूँ, मोटर फ्लैंचा में जो आपका ये लगता है, जैसे कि इसको चेक बेल भी बोला जाता है, जो कि आपका कुछ इस साइज का रहता है, तो इसमें आप दोनों साइज का अपने शॉप में रखें, और ये सब पे जो है आपका प्रॉफिट अच्छा खासा देखने को मिलता है, और ये जो है काफ़ी रनिंग आइटम भी है, इसको ज़रूर रखें, ठीक है। तो अगर ये आपके शॉप पे नहीं रहेगा, जब कस्टमर आएंगे आपसे ये चीज़ मांगेंगे, तो फिर वही हो जाता है कि कस्टमर रिटर्न भी हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं जो इस पे आप एक अच्छा खासा पैसा कमाते वो नहीं कमा पाएंगे, ठीक है। तो ये सब जो है शुरुआत में 12-12 पीस ज़रूर रखें अपने शॉप में। उसके बाद में दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये आपका स्टील जाली है, ये 6 इंच का है, ये जो है आपका सिंगूर का गैस्किट हो गया, ये मैं आपको दिखाऊंगा गैस्किट कैसा होता है, ये जो है आपका 4 इंच का हो गया, ये जो है ये आपका दोस्तों सिंगूर का प्लंजर है, कई लोग इसे जानते भी होंगे, कई लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टेट में ये नहीं चलता है, हम लोग के स्टेट में ये जो है चलता है, इसलिए हम लोग इसे रखते हैं। ये आपका 2.5 इंच के जाली हो गया, कट जाली इसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद में ये प्लेन जाली है 2.5 इंच का, ये 3 इंच का कट जाली हो गया, ये 3 इंच का ये भी हो गया प्लेन जाली। उसके बाद में दोस्तों ये जो है 4 इंच का जाली हो गया, 4 इंच का जाली मेरा ख़त्म हो गया था, तो यहाँ पे अभी गोडाउन से मैं लेके भी आया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका 4 इंच का जाली हो गया, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों ये जो है ये आपका
इधर चीलम कई लोग इसको बोलते हैं, तो ये आपका गार्डन पाइप में लगाने के लिए काम आता है, जैसे कि वो गार्डन पाइप है ना वहाँ पे वो वाला, तो गार्डन पाइप में लगाने के लिए ये काम आता है। तो ये आपका चीलम, इसको ज़रूर रखें। ये जो है दोस्तों ग्लास ब्लॉक है, ये छत में लगता है, जैसे कि ऊपर से जो रोशनी जो धूप की जो मतलब यानी कि जो सनलाइट जो होता है जब वो आपके जब ये लगाते हैं पैसेज में तो अंधेरा नहीं रहता है। उसके बाद में दोस्तों मेरा बॉल वेल्व भी जो है रैक में ख़त्म हो गया था, तो अभी गोडाउन से लेके आया। ये मेरा बॉल वेल्व है UPVC 1 इंच का, ठीक है। और ये जो है मोनिका का लॉन्ग बॉडी नल हो गया, नल जो है इसका, यानी कि ये जो मोनिका का शॉर्ट बॉडी है तो सेम वही नल ये इसमें है, इसका ये लॉन्ग बॉडी है। उसके बाद में दोस्तों ये आपके शावर हो गया, कुछ शावर के सैंपल्स वगैरह ऐसे लगा के रखिए, अच्छा बिकेगा, ठीक है। तो ये हो गया, इधर हो गया ये आपका हैंड फॉसेट हो गया, ये नल हो गए। तो नल का अच्छा खासा मैंने एक अपना रेंज यहाँ पे रखा है, कोई भी कस्टमर आते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, नल लेके ही जाते हैं ऐसा है। तो ये सब जो चीज़ है रखें। उसके बाद में दोस्तों चलिए मैं आपको और दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो है ये आपका वेस्ट पाइप हो गया, जो किचन सिंक में भी लगता है और उसके बाद में बेसिन में भी लगता है, ठीक है। तो ये आपका वेस्ट पाइप हो गया, इसको ज़रूर रखिए। और ये जो है मैंने 2-3 क्वालिटी के रखा है, एक ये जो है थोड़ा अच्छा क्वालिटी का, कुछ कस्टमर आते हैं जो पैसा देना नहीं चाहते हैं, जो सोचते हैं कम रेट में सस्ते में हो जाए, तो उसको हम लोग ये देते हैं सस्ता वाला, ठीक है। जो अच्छे कस्टमर है जो प्रीमियम क्वालिटी पसंद करते हैं तो उसको हम लोग ये वाला देते हैं। ये आपका लीड पाइप हो गया, हर एक साइज़ का लीड पाइप रखें। तो अभी तो मेरा इधर उधर ऐसे ही लटका फेंका पड़ा है, तो इसको अच्छे से अरेंज भी करना है, हम लोग को उतना टाइम नहीं मिल पाता है जैसा है वैसे रखो। उसके बाद में दोस्तों ये देखिए, ये जो है काफ़ी ज़रूरी आइटम है, ये नारियल रस्सी ज़रूर रखें, ठीक है। ये भी आपका बिकेगा अच्छा खासा। और उधर जो है वो पूरे GI पाइप्स हो गए हर एक साइज़ की, ये जो है ये आपका 1.5 इंच में 1.5 फीट लंबा हो गया, वो आपका 2 इंच का हो गया, सॉरी ये आपका 1 इंच में हो गया 2 फीट लंबा, ठीक है, ये वाला साइज यानी कि। उसके बाद में ये सब जो है बड़े बड़े जो है नीचे 5 फीट के हैं, और उधर भी आपके GI पाइप्स है, ठीक है। ये जो है मेरा इधर फिटिंग्स रखा हुआ है, गोडाउन में से लाके हम लोग यहाँ पे रखते हैं ताकि जब कोई ज़रूरी पड़े, जो हमारा वो वाला रैक है, वो वाला रैक है उसमें जब घट जाता है तो वहाँ से डालते हैं। उसके बाद में दोस्तों ये जो चीज़ है इसको ज़रूर रखें, ये इसको तगारी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये मसाला वगैरह ढोने के लिए काम आता है, ये तगारी भी रखें, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों और चलिए मैं आपको और दिखाता हूँ। चेकवेल जो है, चेकवेल का मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है, इसमें कौन कौन से साइज़ के चेकवेल होते हैं जो आपको अपने शॉप पे रखना है, लेकिन सबसे जनरली आपका ये वाला चेकवेल चलता है, तो ये वाला चेकवेल ज़रूर रखें, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद में ये जो है ग्लास ब्लॉक, ये भी मैंने आपको बता दिया। दोस्तों ये जो है मेरा एक्चुअली मेरा इन्वर्टर अभी ख़राब हो गया हुआ है, तो ये मैंने अपना इसको क्या बोलते हैं पावर बैंक, तो ये पावर बैंक जो है मैंने अपना लगा के रखा हुआ है। एक्चुअली ये जो कैमरा है इसको चलाने के लिए, तो अभी कैमरा का तार मैंने निकाल दिया हुआ है, तो ये जो है कुछ इस टाइप का। इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, इसको हम लोग फुटबॉल बोलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है ये हमारा फुटबॉल है, जब पानी वगैरह गड्ढे में से निकालना होता है ना तो ये फुटबॉल लगाना होता है, ये ब्रास का है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो आपको बना के दिखा दूंगा। उसके बाद में दोस्तों ये जो है सेम हमारा सैनिटरी आइटम है, इधर जो है इसको हम लोग डमरू बेसिन बोलते हैं, ये हमारा कमोड है। नल का मैं आपको एक रेंज दिखाता हूँ, ये देखें, ये हमारा शॉर्ट बॉडी हो गया आरती का, काफ़ी अच्छा नल है। उसके बाद में ये टिर्की का एक नल आता है, जो भी ये भी काफ़ी अच्छा नल है, ठीक है। तो ये इधर जो भी है लॉन्ग बॉडी, इधर शॉर्ट बॉडी, ये जो हमारा इधर बेसिन है, सॉरी सिंक है ये। उसके बाद में दोस्तों आप लोग एक बार पूछ रहे थे कि ये क्या चीज़ है, तो ये आप लोग जानते ही होंगे, ये हमारा बाटा पेपर जिसको रेगमाल बोलते हैं, ये हर एक साइज़ का, ये देखिए आपका 80 नंबर का है, ठीक है। तो ये हमारा रेगमाल है। और मैं आपको क्या दिखाऊँ, एक चीज़ और, ये झाड़ू ज़रूर रखें अपने शॉप में, साफ करने के लिए काम आता है, ठीक है। तो चलिए अब जो है मैं आपको कुछ इधर दिखा दूँ, तो यही सब जो है आपका जनरली चलने वाला आइटम है। ब्रश तो मैंने आपको बता ही दिया, ब्रश ज़रूर रखें साफ उफ करने के लिए, तार ब्रश हो गया, ये दीवार वगैरह साफ़ करने के लिए ये सब आता है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ को खिचड़ी ना बनाए, ये जैसे कि मैंने आपको उधर दिखाया था, ये आपका गैसकेट हो गया जो आपका सिंगुर हेड में लगता है, ठीक है। तो ये आप लोग देखिएगा आपके उधर चलता है तो इसको रखिए, नहीं तो अदरवाइज इसको रखने की जरूरत नहीं है, हम लोग के इधर ये काफ़ी चलता है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे अगर मैं कुछ अंदर दिखाऊं, तो ये 1 इंच का 1 फीट लंबा नेपल हो गया, ये 1 इंच का 6 इंच लंबा हो गया, ये हमारा GI यूनियन हो गया, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है इसमें रखा हुआ है, ये 1 इंच का 3 इंच लंबा हो गया, तो ये जो है ये आपका इधर है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों मैं और अगर आपको बताऊँ तो ये यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ,
करता हूँ। देखिए बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग अगर नहीं भी जानते तो उनको मैं दिखा देता हूँ। ये जो है ये हमारा सिंगूर का भेल हो गया, ये जो है हमारा सिंगूर का भेलवेट हो गया। तो इसमें मैंने दो क्वालिटी रखा हुआ है, एक ये क्वालिटी है और एक दिखाऊं मैं आपको तो एक ये क्वालिटी है। दोनों का थिकनेस आप देख सकते हैं, देखिए दोनों का आप थिकनेस देखिए यहाँ पे। तो ये जो है थोड़ा अच्छा क्वालिटी, ये थोड़ा लो क्वालिटी है, दोनों क्वालिटी में लेकर चलता हूँ। उसके बाद में दोस्तों ये जो है ये आपका ये जो है आपका प्लंजर हो गया, हेड में लगता है प्लंजर। मैं तो उसका पन्नी निकाल कर दिखा देता हूँ, उधर रखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है ये आपका प्लंजर कुछ इस टाइप का रहता है। तो ये पीवीसी प्लंजर है, ये जो है ये प्लास्टिक का है, तो ये उतना सक्सेस चीज़ नहीं है। इसको नहीं रखे आप लोग बिल्कुल भी, जो भी अगर रखते हैं तो वो जो मैंने आपको दिखाया बूंदा लोहा उसको बोलते हैं, उसमें रखें, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों ये जो है मैं आपको और कुछ दिखा देता हूँ। ब्लेड वगैरह जरूर रखें, ये लोहा काटने वाला जो ब्लेड आता है, ब्लेड का पूरा रेंज लेके चले। जैसे कि ये लोहा काटने वाला ब्लेड हो गया, उसके बाद में दोस्तों ये लकड़ी काटने वाला ब्लेड हो गया। तो ब्लेड मेरे पास बहुत सारा है, इधर उधर सब रखा हुआ है। ये 5 इंच साइज का है। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको और दिखाता हूँ, ये आपका 4 इंच साइज का है लकड़ी काटने वाला ब्लेड, ये भी काफ़ी ज़्यादा बिकता है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों ये सब जो है ये आप लोग रखते हैं। अभी तो मेरे को पूरा रैक पेंट करवाना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा गंदा है, देख सकते हैं कितना डस्ट है, ठीक है। तो पूरा साफ करके पेंट करवाना पड़ेगा। उसके बाद में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ताला वगैरह जरूर रखें, ये जो आपके लॉक है, ठीक है, ये ताला वगैरह रखें। तो कोई खास आइटम नहीं है, बस यही सब जो है थोड़ा बहुत रेंज आप लोग रखें, और कहीं ना कहीं जितना अच्छा रेंज आप लेके चलेंगे उतना अच्छा बेनिफिट भी होगा और उतना अच्छा कमाएंगे भी आप, यही सब चीज़ें। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको हार्डवेयर और पेंट से रिलेटेड जो भी अपडेट्स है वो आगे भी आपको मिलते रहे। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।